हर कहानी के ना बहुत पहलू होते हैं, फर्क बस ये होता है कि कहानी सुना कौन रहा है। तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी स्टारर मूवी हसीन दिलरुबा की रिलीज डेट हुई फिक्स। इस दिन की जाएगी यह मूवी रिलीज। तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पे एक नए टीजर के साथ इस मूवी की अनाउंसमेंट की है और आज ही के दिन इस मूवी का एक जबरदस्त पोस्टर भी रिलीज किया गया है। एक तरफ जहां पूरा देश लॉकडाउन के अंदर है, तो वहीं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरा जोर लगा रही है अपने दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। तो वहीं तापसी पन्नू की मूवी हसीन दिलरुबा को पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ लगे लॉकडाउन ने मूवी के मेकर्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर दिया है। विनील मैथ्यू के डायरेक्शन में बनी मर्डर मिस्ट्री मूवी हसीन दिलरुबा में तापसी पन्नू विक्रांत मेसी लीड रोल में दिखाई देंगे, जिसकी शूटिंग पिछले साल अक्टूबर में ही पूरी कर ली गई थी। गौरतलब यह मूवी सितंबर 2020 में थिएटर में रिलीज की जाने वाली थी, लेकिन कोरोना ने सब कुछ बदल के रख दिया। इसके बाद इस साल की शुरुआत में ही नेटफ्लिक्स ने हसीन दिलरुबा का ऐलान अपने 2021 लाइनअप में किया था, जिसमें हसीन दिलरुबा के अलावा और भी बहुत सारी आने वाली मूवी की अनाउंसमेंट की गई थी। बात करें हसीन दिलरुबा मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी एक ऐसी महिला पे आधारित है जिस पर अपने पति की हत्या का आरोप है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी पूरी तरह से सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर होगी। तो वहीं आज के दिन तापसी पन्नू ने इस मूवी का एक छोटा सा टीजर सोशल मीडिया पे शेयर किया है, जिसमें इस मूवी की रिलीज डेट बताई गई है, जो है 2 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी हमें 2 जुलाई को देखने को मिल जाएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पे। इसके अलावा एक और मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, पवन कृपलानी की डायरेक्शन में बनी मूवी भूत पुलिस, जिसमें हमें सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलीन, जावेद जाफरी और यामी गौतम मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आप कौन सी मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे चटपटे गॉसिप न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल गॉसिप वालों को सब्सक्राइब भी कर लें।